जय महादेव। सभी मंदिरों में बहुत ही अच्छा प्रतिष्ठान हो रहा है, महादेव जी को श्रृंगार किया हुआ है और सभी भक्त दर्शन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा सतोला का सैलाब है हर जगह। हर हर महादेव, सबकी कष्ट दूर करे। हे महादेव, बहुत ही आनंद आ रहा है। शिवरात्रि का सब भक्त दर्शन लगे हुए हैं और हम बच्चों को लेके और परिवार को लेके सब दर्शन के लिए पधारे हैं। भोलेनाथ की कृपा बसेगी हम पे सबके ऊपर और हमारे गोविंद जी और लाइव कवरेज कर रहे हैं। बहुत बधाई आप, बहुत ही शानदार आप कवरेज करते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर भजन की प्रस्तुति हो रही है। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है, आप देखिए। बहुत ही कतारबद्ध सभी जने दर्शन करते हुए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की हुई है भक्तों के लिए, प्रसाद की व्यवस्था की हुई है। जो भी लोग हमारे लाइव कवरेज देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी मंदिर पधारे और दर्शन लाभ ले रहे हैं। आज भगवान का बहुत बड़ा दिन है। हर हर नजारे, हर नजारे, हर हर महादेव। तो देख सकते हैं भक्तों का जोश आप कितना जबरदस्त है। भक्त अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और सभी भक्तों का हर हर महादेव के नारों के साथ मन ही मन में जाप करते हुए प्रभु के दर्शन करने के दीदार करने के लिए व्याकुल है। और ये आप दृश्य पूरा देख पा रहे हैं। तो आप देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, बहुत लंबी कतार है और ऐसे ही भक्तों की भीड़ आती रहे, प्रभु का दर्शन का लाभ लेते रहे। महाराज प्रताप की प्रतिमा और सभी भक्त बड़े ही प्रेम के साथ आनंद ले रहे हैं। जय हो। आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही लाइनें लगी हुई है, फूल माला और आप देख सकते हैं कि ये पूरा भगवान की सामग्री पूजा की यहाँ पर रखी गई है। सुबह से ही खूब वितरण हो रही है, खूब और प्रभु की सेवा जो है बहुत ही तन मन के दास। महाराज जय महाराज। हो गया बहुत अच्छा है, महादेव की कृपा है। मेवार को धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा ये प्रसंग सजाया जिसमें सबने आनंद लिया है और सभी ने इसकी अनुभूति की है। क्या कुछ नीलकंठ महादेव जी बहुत ही प्रसिद्ध और पुराने प्राचीन मंदिर है, यहाँ यात्री आते रहते हैं और आज यहाँ शिवरात्रि के पर्व पर बहुत जबरदस्त भीड़ है। अब भी लाइन लग रही है, हम सुबह आए थे 8 बजे, 8 बजे से इसी तरीके की लाइन लगी हुई है। नीलकंठ महादेव की बहुत प्रसिद्धि है और भोलेनाथ का आज महाशिवरात्रि पर्व उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव जी बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता रहता है और इसी तरह श्रद्धालु आते रहते हैं और सुबह से यहाँ काफी भीड़ है और 7 दिन से यहाँ वो जो शादी विवाह में कार्यक्रम होते हैं वो ऐसे ही शिव और पार्वती के विवाह के कार्यक्रम होते हैं और हम प्रतिदिन आते हैं यहाँ पर, सुबह भी हाजिरी देते हैं शाम को भी। हमें भगवान के प्रति श्रद्धा है और ईश्वर करे हमारी श्रद्धा ऐसे ही बनी रहे।
देव हमारा नाम है, इनका नाम चैतन्य स्वरूप शर्मा है और मेरा नाम विमला शर्मा है और शिव की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, सभी का देखिए दर्शन करने के बाद सभी पधार रहे हैं। ये अच्छा अवसर था, बहुत ही सुंदर अवसर जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना की गई। पूरी शिवरात्रि 9 दिनों तक यहाँ पर पूरा ये प्रसंग चला है। आप देख सकते हैं कि 29 तारीख से ये कार्यक्रम क्रम चला है प्रसंग का और आज 8 तारीख तक ये पूरा प्रसंग चल रहा है और आज पूरी रात्रि को सत्संग चलेगी और उसके बाद ये कार्यक्रम पूरा का पूरा समापन होगा। सब प्रभु भक्ति करते रहे, भगवान की सेवा करते रहे और भी भक्त शिरोमणि हमारे बीच में आते जा रहे हैं और आनंदित प्रभु के आनंद दर्शन करने के लिए व्याकुल है, सभी लाइन में लगे हुए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत की है आप तमाम, जितने भी मंदिर हैं कुछ मंदिर हम दिखा पाए हैं आपको और जो प्रसिद्ध मंदिर है हम वहाँ आपको दर्शन वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं, आप इसका दर्शनों का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।